दीजिए, इससे पहले आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साधारणतः सिंपल इंटरेस्ट से पार्ट 7 तक पढ़ चुके थे और आज आप साधारण ब्याज से पार्ट 8 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। और अभी मैं बता दूं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC आपका लिखा भी है, SSC रेलवे बैंक टैक्स एयरफोर्स नेवी पुलिस नवोदय विद्यालय CHS विद्यालय प्रवेश परीक्षा सैनिक विद्यालय प्रवेश परीक्षा इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी मैं बता दूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी लिखिए। हम दीजिए, आपका प्रश्न है, यदि कोई घर 6% वार्षिक ब्याज की दर से पहले 5 वर्ष फिर 3 वर्ष फिर 2 वर्ष के लिए लगाया जाता है, यदि उस धन का ब्याज 60 रुपया प्राप्त होता है तो मूलधन बताइए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे ज्ञात करते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है। इस प्रश्न में आपको दर दिया हुआ है, समय दिया है, समय आपको 3 बार दिया गया है, एक पहला समय 5 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष और तीसरा 2 वर्ष दिया गया है। मूल सूत्र आपका यह है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय। समय आपका 3 बार दिया गया है, 5 वर्ष 3 वर्ष और 2 वर्ष। उसी के लिए इस समय के स्थान पर एक सवाल ट्रिकली आपको हल किया गया है। ट्रिक के आधार पर सभी समयों को आपको यहाँ जोड़ा गया है, अर्थात मूलधन बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपका ये ट्रिक है, जो सूत्र के रूप में लिखा गया है, मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे छोटे कोष्टक में T1 + T2 + T3 छोटा कोष्टक पर, यानी कि जो समय आपको पहला समय 5 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष और तीसरा 2 वर्ष है, अर्थात T1 का मान 5 हो जाएगा, T2 का मान 3 हो जाएगा और T3 का मान 2 वर्ष हो जाएगा। अब आप सूत्र में इन मानों को रख देंगे, मूलधन बराबर साधारण ब्याज जो है 100, साधारण ब्याज आपका प्रश्न में 60 रुपया किया गया है, बराबर के बराबर लिखेंगे, साधारण ब्याज का स्थान पर लिखेंगे 60 × 100 / दर गुणे कोष्टक में T1 का मान आपका 5 है, 5 + T2 का मान 3 है, 3 + T3 का मान 2 वर्ष दिया है, 2 छोटा कोष्टक का, बराबर के बराबर लिखेंगे 60 × 100 / 6 × 5 = 8 × 2 = 10। इस 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, अब आपका बच गया 100, अर्थात बराबर 100 रुपया आपका ये मूलधन हो गया। मुख्य सूत्र मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय से एक ट्रिक निकाला गया है। समय 3 बार दिया हुआ है, 5 वर्ष 3 वर्ष और 2 वर्ष, इसलिए 5 आपका T1 हो गया, 3 आपका T2 हो गया, 2 आपका T3 हो गया। इस समय का स्थान पर रखकर के सवाल को जिस तरह से बताया वैसे हल कर लेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी लीजिए। और अभी मैं बता दूँ, हमारे यहाँ जैसा कि बोर्ड पर भी लिखा गया है, बैंक SSC रेलवे पुलिस CTET एयरफोर्स में भी इत्यादि की कक्षाएँ चलाई जाती हैं, और इसके अतिरिक्त कक्षा 9, 10, 11, 12 गणित विज्ञान अंग्रेजी की भी कक्षाएँ चलाई जाती हैं। यदि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा मोबाइल नंबर है 94-15-88-79-29, इससे आप संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। और यह भी मैं बता दूँ कि हमारे चैनल का नाम है डॉक्टर मुद्रिका सिंह यादव, ये चैनल का नाम है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।